हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, लॉकडाउन स्टोरीज का जो हमारा आज का रेसिपी है वो है बाटा फिश करी। हमारे बंगालीज में इसे बाटा माछेर झाल दिवा इस तरीके से बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात को बढ़ाए। तो दोस्तों, यहाँ पे बाटा फिश करी बनाने के लिए मैंने यहाँ जो बाटा फिश लिया है वो करीब 4 टुकड़ों में काट लिया है। इसके बाद एक बड़े प्याज को हमने कद्दू क्रश कर लिया है, आप चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ टोमेटो लिया है जिसको मैंने पेस्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, करीब 1 चम्मच। और इसके बाद दोस्तों आता है जो सरसों है, सरसों और 2 हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है। और इसके बाद इसमें है खसखस यानी कि पोस्तदाना और 4 से 5 काजू, इसको भी मैंने पीस लिया है। और ये नमक, हल्दी और ये लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद दोस्तों आता है सरसों का तेल, और ये मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 सूखी लाल मिर्च और 2 हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को मैंने बीच में से काट लिया है, और 3 से 4 लहसुन की कली को मैंने कद्दूकस किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी सब इंग्रेडिएंट्स के साथ शुरू करते हैं हमारे जो बाटा फिश रेसिपी है वो। पहले हमें क्या करना है, गैस ऑन करके कढ़ाई को गर्म कर लेना है, और दोस्तों उसके बाद उसमें डाल देना है सरसों का ऑयल जिसमें हम बाटा फिश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और दोस्तों, बाटा फिश को मैंने पहले से नमक और हल्दी मिक्स करके रखी हुई थी, तो तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बाटा फिश जो हमने नमक और हल्दी मिक्स करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से फ्राई करेंगे। ये काम करते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतें क्योंकि तेल जो है उभर के बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से बाटा फिश को जो है फ्राई करना है। और तो जो फिश के पीसेस है उसे भी मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। ध्यान रखें फिश को फ्राई करते वक्त मीडियम गैस पे, गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम पे रखना या फिर लो पे। और अगर आपने हाई फ्लेम पे रख भी दिया तो बहुत ही सावधानी के साथ करें। इसके बाद दोस्तों, गैस की फ्लेम को लो करने के बाद आप फिश को निकाल लें। मैंने निकाल भी लिया है। और अब इसी तेल में हम डाल देंगे थोड़ा सा सरसों का ऑयल और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, और इसमें डाल देंगे लहसुन जो हमने कद्दूकस किया हुआ था वो, 2 तेज़पत्ता, 2 हरी मिर्च और 1 सूखी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे और सौटे करेंगे अच्छी तरीके से। इसमें ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसे गैस को लो फ्लेम में करके हमें जो है इसे सौटे करना है। और इसके बाद दोस्तों, हमने जो प्याज लिया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से इसे सौटे करेंगे। प्याज का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। इसमें हमने थोड़ा सा जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट यानी कि नमक डाला है, थोड़ा सा जस्ट, और इसे अभी हम सॉटी कर लेंगे। इस तरीके से करीब 1 से 2 मिनट तक इसको सॉटी करना है। और इसके बाद दोस्तों, हम इसमें डाल देंगे जो टोमेटो हमने लिया था करीब 1 चम्मच, वो हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा टोमेटो देने से ये डिश का टेस्ट जो है वो थोड़ा सा शोर हो जाता है, इसीलिए मैंने कम टोमेटो डाला है। और इसको इसी तरीके से सॉटे करने के बाद दोस्तों, जो हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए, इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। ये देखिए, थोड़ा सा हल्दी
और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर इसमें हम डाल देंगे और इसको चला लेंगे अच्छी तरीके से और इसको सौटे करेंगे। और इसे ऐसे ही रख देंगे एक मिनट के लिए। और दोस्तों, हमने जो सरसों और बादाम का पेस्ट लिया था उसे हम एक साथ मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे और एक साथ उसको मिक्स कर देंगे। इस पेस्ट में दोस्तों सरसों, हरी मिर्च, काजू और थोड़ा सा खसखस लिया हुआ है मैंने, इसको एक साथ मिक्स कर देंगे इस पानी के साथ। एक चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को जो प्याज हमने फ्राई किया था उसमें डाल देना है। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया है। अब मैं इसको सॉटे कर रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें हाफ कप पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मसाले जो हैं ये रिच ग्रेवी बनने वाला है, तो इसमें हमें पानी डालना होगा क्योंकि हमें मछली भी ऐड करना है इसमें। करीब 2 से 2.5 कप पानी आप ऐड कर दीजिए, एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। इस तरीके से इसमें बॉयल आने देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने और भी पानी मैंने ऐड कर दिया है और इस तरीके से इसमें बॉयल आने देंगे। इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। अब देखिए, इसमें बॉयल आ चुका है, इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से बॉयल होने देंगे। ये देखिए, इसमें बहुत अच्छी तरीके से बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे जो मछली हमने, फिश हमने फ्राई करके रखा हुआ था, वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये हमारा फिश था, वो हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। करीब 1 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही पकाना है और फिर गैस की फ्लेम को लो या फिर मीडियम पे करके हमें इसे कवर करके पकाना है करीब 4 से 5 मिनट। ये देखिए, 1 मिनट हो चुका है और मैं इसमें कवर कर रही हूँ। कवर करने के 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। और बीच बीच में आपको क्या करना है कि इस तरीके से ढक्कन को हटाकर जो फिश है हमारा, उसे नीचे से अच्छे से चला देना है, नहीं तो ये बैठ जाएगा। अगर आप नॉनस्टिक पैन या कढ़ाई यूज़ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये कढ़ाई जो है नॉनस्टिक नहीं है, तो फिर इसीलिए इसको बीच बीच में नीचे से ऐसे चलाते रहना है। ये हमारा जो डिश है ये लगभग रेडी हो ही चुका है। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी। फिर से मैंने इसे कवर किया है और इसको अभी हम 2 मिनट तक पकाने के बाद इसका कवर हटा भी दिया है और लगभग ये रेडी भी हो चुका है। और अभी हमने क्या करना है, ये रेडी हो चुका है, हमने गैस को ऑफ कर दिया है। इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरीके से इसको निकाल लेना है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं इसे ऐसे ही निकाल रही हूँ।
और फिर दोस्तों ये देखिए ये रेडी हो गया है हमारा जो बाटा फिश करी है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा बना है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।